बात सिंहस्थ कुंभ की। सिंहस्थ के लिए उज्जैन पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। पहला शाही स्नान आज रात 12 बजे होना है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शिप्रा के तट पर 8.5 किलोमीटर लंबे घाट तैयार किए गए हैं। पहले दिन 80 लाख लोगों के स्नान करने की संभावना है। किन्नरों की पेशवाई आज सुबह 11 बजे दशहरा मैदान से निकलेगी। हालांकि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने किन्नरों की पेशवाई के विरोध का ऐलान किया है। इस बार सिंहस्थ में पहली बार किन्नर शिरकत करेंगे। किन्नरों के लिए प्रशासन की ओर से खास जगह भी मुहैया कराई गई है। और उज्जैन सिंहस्थ मेले में मुंबई से आए हिमालय बाबा का शिविर महाकाल जोन में लगा है। यह शिविर इसलिए खास है क्योंकि 22 तारीख से यहां पृथ्वी के व्यास के बराबर 12,472 किलोमीटर लंबे धागे की ज्योति जलाई जाएगी। जिस जगह ज्योति जलेगी उसे भी भारत के नक्शे का आकार दिया गया है। हिमालय बाबा ने इस बारे में बताया कि अखंड ज्योति लगातार एक महीने तक जलेगी। दिए को जलाने में करीब 5,000 टन तेल लगेगा। मोटर के माध्यम से एक सौ 151 फीट लंबी, 4 इंच मोटी, 3 टन वजन की बनकर के तैयार हो और ये एक महीने तक जलेगी शुद्ध तिल के तेल तेल में। ये ज्योत जलाने का मकसद यही था, अखंड विश्व और अखंड भारत और सर्वे भवन्तु सुखिना और वसुधैव कुटुंबकम्।